हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नजराना किचन। आज मैं आपके साथ चिकन डालचा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए फिर इसे बनाते हैं। चिकन डालचा बनाने के लिए मैंने ये लगभग 100 ग्राम मिक्स दाल ली है। इसको मैंने 2 घंटे पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था। अब हम इसको पका लेंगे। दाल पकाने के लिए दाल को हम कुकर में डाल देंगे और इसमें लगभग 2 कप पानी डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें 1 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज डालेंगे और 1 मीडियम साइज कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल के इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे और ढक्कन बंद करके इसमें 1 सीटी लगने पे 5 मिनट कम आंच पे पकाएंगे। दाल हमने पकने के लिए रख दिया है, अब हम चिकन की तैयारी करेंगे। चिकन पकाने के लिए हमने कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। तेल गरम होने पे अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में मैंने इसमें 8 से 10 लौंग, 4 हरी इलायची, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 5 से 6 टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 तेज पत्ता ले लिया है। अब इन सभी को हम तेल में डाल देंगे। मसाले चटक जाने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें लगभग 600 ग्राम चिकन डाल देंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर ऐसे ही भूनते रहेंगे। ये देखिए, भूनते भूनते चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें कटा हुआ 1/2 कप हरा धनिया डाल देंगे और 1/2 कप कटा हुआ पुदीना डाल देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। अब इसे ढक के कम आंच पे 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक चिकन पक रहा है, इतने में हम दाल को देख लेते हैं। दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसको रही की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। दाल को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। ये मैंने 1 चम्मच भर के इमली को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ दिया था। अब हम इसका पल्प निकाल के और इसको छान लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम चिकन को चेक कर लेंगे। चिकन अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम इसमें दाल मिलाएंगे। दाल डालते वक्त आंच को मीडियम कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप इमली का पानी डाल देंगे। अब इसमें 1/2 कप कटा हुआ पुदीना डाल देंगे और 1/2 कप कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए मैंने एक छोटी कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। अब इसमें 6 से 7 हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें 1/4 कप कड़ी पत्ता डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अब हम इसको दाल में डाल देंगे। ये हमारा चिकन डालचा पक्के तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।